हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स के साथ, जो इंट्रोड्यूस होगा आपके पास प्लस वन में इन टू फॉर्म्स। हम दो बुक्स पढ़ेंगे इसके अंदर, प्लीज नोट कीजिएगा। जो हम पहली बुक पढ़ेंगे वो होगी बेटे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो दूसरी बुक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स ब्लूप्रिंट हमारे पास ये दोनों जो हैं वो थ्योरी पेपर में आएंगी 40 मार्क्स ईच, और 20 मार्क्स का हमारे पास रहेगा प्रोजेक्ट वर्क, विच ऑल्सो इंक्लूड्स वाइवा। ये नोट कर लीजिए। तो चलिए आज हम पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होती है इकोनॉमिक्स, इसका पर्पस क्या है और हम इसको पढ़ते क्यों हैं। हम कई बार न्यूज हेडलाइंस में बहुत सारी टर्म्स सुनते हैं, उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी इंक्रीज हुआ या जीडीपी डिक्रीज हुआ, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ या वो ज्यादा हुआ, हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी जो है या वो इंक्रीज हुई या वो डिक्रीज हुई, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है या घट गई है। तो ये सारे टर्म्स वो हैं जो सिग्निफाई करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स को। किसको सिग्निफाई करते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, या हम इनको बोलते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये हमें बताते हैं कि क्या हेल्थ है, क्या हेल्थ है हमारी इकोनॉमी की या हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के मीनिंग से। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसका ओरिजिन जो है दैट हैज बीन फाउंड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज यूकोनोमिया, विच इज यूकोनोमिया, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है दैट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका इंग्लिश मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, लेकिन ध्यान रखें इकोनॉमिक्स का मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो यहां से डिराइव किया गया है, यूकोनोमिया वर्ड से। क्लियर है? अब समझते हैं कि फिर इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स को हम बाइफरकेट करेंगे इन टू वर्ड्स, इट वुड बी बाइफरकेटेड इन टू वर्ड्स, द वेरी फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड द अदर इज एस। तो इकोनॉमिक्स हैज बीन बाइफरकेटेड एज इकोनॉमिक एंड एस। बेटा इकोनॉमिक का यहां मतलब है एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, और एस यहां सिग्निफाई करता है स्टडी, ये सिग्निफाई करता है स्टडी। अभी क्या कहता है समझिए, हम यहां पे जो पैसे से रिलेटेड चीजें हैं उसमें हम तीन चीजों पे ध्यान देंगे। पहली होंगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या होंगी जी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरी है जी इकोनॉमिक एजेंट्स, और तीसरे हैं बेटा इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो हमारे पास पहली डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की क्या होती है, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। नोट करते रहे साथ में, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एजेंट्स एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एजेंट्स एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब हम इस डेफिनेशन को एक्सपैंड करेंगे और उससे फिर हम दूसरी डेफिनेशन जो है वो डिराइव करेंगे, वो समझेंगे वो क्या कहती है, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है चिंटू, ये है चिंटू की मदर। चिंटू की मदर ने चिंटू को सुबह ब्रेकफास्ट सर्व किया, तो विल चिंटूज मदर से कि लाओ बेटे 50 रुपए दो? नो, इट मींस जो मदर ने ब्रेकफास्ट सर्व किया अपने बेटे को दैट इज आउट ऑफ लव, उसके अंदर
मनी इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब चिंटू की मदर ने ग्रोसरी शॉप से सामान खरीदा ताकि वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर पाए, तो उन्होंने पेमेंट करी, तो ये है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब उन्होंने मनी पे किया। सेकंड, अब अगर चिंटू जो है वो एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने जाता, ही मूव्स टू अ रेस्टोरेंट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, देन ही वुड ऑब्वियसली वुड हैव पेड सम मनी इन लियू ऑफ दैट ब्रेकफास्ट, सो इट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब चिंटू ने घर पे नाश्ता किया तो मम्मी ने उससे पैसे नहीं मांगे, इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट जब चिंटू ने रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया तो उसने उसके लिए पे किया, सो इट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब रॉ मटेरियल मदर ने ग्रोसरी शॉप से खरीदा, सो शी हैज पेड मनी, सो दिस ऑल्सो बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है जी? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। क्लियर है? और अब हमारे पास मेजरली कैटेगराइज जो है कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं। हमारे पास पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आती है दैट इज प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन। सेकंड आती है बेटा कंजम्पशन। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समटाइम्स वी इंक्लूड दिस इन्वेस्टमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो वी कैन से वी हैव मेजरली थ्री कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज, बट इफ यू राइट फोर ऑल्सो दैट इज ओके। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? वी हैव लर्नड इन आवर जूनियर क्लासेस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको हम सिग्निफाई करते हैं एल, एल, के और ई से, राइट? अब इनको जो हम इनकम दे रहे हैं वो क्या है? लैंड को देते हैं बेटा वी पे देम रेंट, टू द लेबर वी पे वेजेस, टू द कैपिटल वी पे इंटरेस्ट एंड टू द एंटरप्रेन्योर वी पे प्रॉफिट। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो दीज आर अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक एजेंट्स। सी, प्रोडक्शन विल बी डन बाय प्रोड्यूसर, कंजम्पशन विल बी डन बाय कंज्यूमर एंड बोथ ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बोथ ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स, वी हैव लर्नड इट इन द बिगिनिंग, जीडीपी, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी की रेलेवेंस में हम जब जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या किसी भी ऐसे इंडिकेटर की बात करते हैं, दैट बिकम्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स, दैट बिकम्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है। हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स, प्लीज राइट डाउन, इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज that helps the producer, that helps the producer किस चीज के लिए? To maximize his profits, to maximize his profits। और वो consumer को क्या help करेगा? It would help the consumer to maximize his or her satisfaction। And third is society। सी, हमने तीन एजेंट्स की बात करी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और वो दोनों कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में।
सोसाइटी को क्या करेगा, मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर, मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो हेल्प करती है प्रोड्यूसर को इंक्रीज करने में उसके प्रॉफिट्स, कंज्यूमर को इंक्रीज करने में उसकी सेटिस्फैक्शन, और सोसाइटी को इंक्रीज करने में उसका वेलफेयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन, फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू।